हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बंगाल से जुड़ी सभी अपकमिंग हायर राइजेस स्काईस्क्रैपर से बिल्डिंग की। तो देरी किस बात की, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट हाँ, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बंगाल भारत का एक ब्यूटीफुल स्टेट, जो अपने रिच कल्चर, ग्लोरियस हिस्ट्री और डाइवर्सिटी के लिए विश्व भर में जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में बंगाल में रियल इस्टेट डेवलपमेंट की बात हो, स्काईस्क्रैपर्स की बात हो या किसी और डेवलपमेंट की बात हो, काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन होते हुए देखे गए हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बंगाल से जुड़ी सभी अपकमिंग स्काईलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग है, कौन कौन से वो स्काईलाइंस हैं जो आने वाले समय में कोलकाता सहित पूरे बंगाल की मान सम्मान बढ़ाने वाली है। पहली हाई राइज स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट है सेकंड पार्क होटल बिल्डिंग प्रोजेक्ट। 210 मीटर टॉल स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग के रूप में प्रपोज किया गया है सेकंड पार्क होटल EM बाईपास के पास साइंस सिटी के पास बनाया जा रहा है, जो बेसिकली APJ सुरेंद्र ग्रुप द्वारा शॉपिंग मॉल कम सर्विस अपार्टमेंट के रूप में 3.5 एकड़ एरिया में बना रही है, जो एक हाईटेक और बेहतरीन स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 210 मीटर इसकी हाइट होगी, जहां पर 45 फ्लोर्स को बनाया जाना है, जो कि इस बिल्डिंग की आर्किटेक्ट कोऑर्डिनेट टेक्नो कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है, जो कि आपको देखने से भी लग रहा होगा एक बेहतरीन आर्किटेक्ट स्काईस्क्रैपर्स बिल्डिंग है। तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे बनती है तो यहाँ पे 5-स्टार होटल जैसी भी सुविधाएं होगी, जो कि बेहतरीन तरीके से इस सेकंड पार्क होटल बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। तो बस देखते हैं कब तक बनकर तैयार होती है। दूसरी स्काईलाइन प्रोजेक्ट है ट्विन टावर। कोलकाता के ईस्टर्न रोड में प्रपोज की गई है ट्विन टावर 2.77 एकड़ एरिया में फैला होगा। बताया जाता है कि फिलहाल ट्विन टावर के CMC के पास अप्रूव के लिए भेजा गया है, जो बेसिकली दो टावर्स को बनाया जाएगी। पहली टावर 23 फ्लोर की होगी, जिसे नॉर्थ बिल्डिंग के रूप में जान पाएंगे। वहीं सेकंड टावर 32 फ्लोर की होगी, जिसे साउथ टावर के रूप में जाना जाएगा। बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन और सोलर बेस्ड होगी, जिसका अप्रूवल देना बाकी है। ऐसे में देखते हैं कब तक अप्रूवल मिलती है और कब तक यह बनकर तैयार होती है। वैसे अगर यह बनकर तैयार होती है तो यह पूरा परिसर एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभर कर आएगा, जहां खूबसूरत रिवर फ्रंट को भी बनाया जाना है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्विन टावर केवेंटर्स ग्रुप द्वारा ऑन कर रही है, जहाँ टॉप पर एक हेलीपैड को भी प्रस्तावित की गई है। तो उम्मीद करते हैं यह ट्विन टावर जल्द से जल्द बने। तीसरी अपकमिंग स्काईलाइन प्रोजेक्ट है आइडियल यूनिक सेंटर। प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है यह आइडियल यूनिक सेंटर 167 मीटर टॉल होगी, जिसे कोलकाता के ईस्ट तोपसिया रोड में साइंस सिटी के पीछे बनाया जा रहा है, जो कि 27 फ्लोर की यह बिल्डिंग होगी। बताया जा रहा है कि यह 6 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला होगा, जिसकी आर्किटेक्ट तफीज कॉन्ट्रैक्टर और सेनन सेन एंड एसोसिएट द्वारा तैयार की गई है, जो कि 2023 एंड तक यह बनकर तैयार भी हो सकती है। जानकारी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को आइडल ग्रुप और यूनिक ग्रुप द्वारा डेवलप कर रही है, जो डेवलप होने के बाद यह कोलकाता का नया न्यू हार्ट सिटी सेंटर होने जा रहा है, जो पूरे EM बाईपास को ट्रांसफॉर्म करने का काबिलियत भी रखती है। ऐसे में देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2023 में इसकी पोजीशन मिल सकती है, तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट अपकमिंग स्काईलाइन प्रोजेक्ट है ट्रम्प टावर प्रोजेक्ट। EM बाईपास में बनाया जा रहा ट्रम्प टावर एक हाउसिंग सोसाइटी के रूप में 2 एकड़ एरिया में बना रहा है। बताया जाता है कि इस ट्रम्प टावर को ट्रिविका, यूनिमार्क और RDB की ज्वाइंट वेंचर के रूप में तैयार कर रही है, जो मुख्य तौर पर 2016 में कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी और 2023 सितंबर तक पोजीशन मिल सकती है। ट्रम्प टावर एक रेरा अप्रूव्ड बिल्डिंग है, जहां 38 फ्लोर्स को बनाया जाना है। 38 फ्लोर में टोटल 137 यूनिट्स फ्लैट्स होगी, जो एक हाईटेक और प्रीमियम अपार्टमेंट होगा। ऐसे में देखते हैं कि यह ट्रम्प टावर कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, आपको इजीली लोन प्रोवाइड हो जाएगी। इसके लिए आपको ट्रम्प टावर से जुड़ी वेबसाइट चेक करनी होगी और इससे जुड़ी जानकारी आपको उपलब्ध वहीं पे मिल जाएंगी। ऐसे में आप जरूर इस ट्रम्प टावर को विजिट करें, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन लग्जरी अपार्टमेंट के रूप में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट स्काईलाइन प्रोजेक्ट है टाटा 88 ईस्ट प्रोजेक्ट। अलीपुर के टॉलेस्ट टावर के रूप में प्रपोज किया गया टाटा 88 ईस्ट 42 फ्लोर के रूप में 2.77 एकड़ एरिया में प्लान किया गया है। उम्मीद है 2027 तक बनाकर पूरा कर लिया जाएगा, जो कि टाटा हाउसिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है, जहां केवल एक ही बिल्डिंग को बनाई जाएगी, जहां पर टोटल 176 यूनिट्स फ्लैट्स होगी। पूरी हाउसिंग अपार्टमेंट एक प्रीमियम तरीके से बनाई जाएगी, जो कि काफी अल्ट्रा प्रीमियम, काफी अल्ट्रा लग्जरियस अपार्टमेंट होगी, जो कि एक रेरा सर्टिफाइड बिल्डिंग है।
ऐसे में देखते हैं अलीपुर टावर टाटा 88 ईस्ट कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे अब तक 80% तक कवर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इसका लाइन प्रोजेक्ट है बिमोंडी ग्रीन स्क्रैपर्स। अजय बेगराज ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया बिमोंडी ग्रीन स्क्रैपर्स भारत की ऐसी पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी जो खूबसूरत तरीके से संजय पुरी जी द्वारा आर्किटेक्ट दिया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह स्क्रैपर्स सिलीगुड़ी में प्रपोज की गई है जो सिलीगुड़ी के उजानू में बनाया जाना है, जो की तकरीबन 22 मंजिला यह बिल्डिंग होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह एक रेसिडेंशियल टावर होगी जो कि भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जो सिलीगुड़ी के उजानू में बनाया जाना प्रस्तावित है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग फेज में, ऐसे में देखते हैं कि यह कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे अभी रिसेंटली 2023 फरवरी में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट अपकमिंग स्काईलाइंस प्रोजेक्ट है द रॉयल गंगेश प्रोजेक्ट। सृजन रियल्टी द्वारा गंगा फेसिंग अपार्टमेंट के रूप में प्लान किया गया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कोलकाता के महेशतल्ला में बनाया जा रहा है, जो बताया जाता है कि रॉयल गंगेश के अंतर्गत 22 ऊंची ऊंची टावरें बनाई जाएगी, जो सभी 22 टावरें 35 फ्लोर से अधिक ऊंची होगी, जो टोटल 26.53 एकड़ एरिया में बनाया जाएगा। ऐसे में देखते हैं यह रॉयल गंगेश जो कि कोलकाता की वन ऑफ द प्रीमियम अपार्टमेंट होने वाली है वो कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट अपकमिंग स्काईलाइंस प्रोजेक्ट है पीएस अनसन्ना टावर। लग्जरियस अपार्टमेंट के रूप में प्लान की गई रेसिडेंशियल टावर कोलकाता के ईएम बाईपास में बनाया जाना है, जो कि ऑफिसर्स रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 141 मीटर ऊंची होगी, जहां पर टोटल 35 प्लस अधिक फ्लोर्स होंगी। इस स्काईस्क्रेपर्स की खास बात यह है 35th फ्लोर पर एक स्काई लॉन्ज भी होगा जो इसे बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। जानकारी के अकॉर्डिंग इसे पीएस ग्रुप द्वारा बना रही है, ऐसे में देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा कोलकाता सहित बंगाल में इससे भी ऊंची ऊंची स्काईस्क्रेपर्स बिल्डिंग आज होल्ड पर है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करूं 320 मीटर के रूप में प्रपोज की गई, हालांकि आज के डेट में एयरपोर्ट क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। वहीं अरबाना ट्विस्टेड टावर 300 मीटर हाई बिल्डिंग के रूप में प्रपोज की गई है। इसके अलावा अरबाना 2 235, वर्ल्ड बंगाल टावर 140 मीटर, ऐसे कई सारे स्काईलाइंस प्रोजेक्ट हैं जो आज के डेट में होल्ड में है। ऐसे में देखते हैं ये कब तक सभी प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिलती है और कब तक बनकर तैयार होती है। फिलहाल जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है उन सभी का मैंने आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करी है। आपको कौन सी बिल्डिंग सबसे खूबसूरत लग रही आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पिन कर दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करता हूं। होप ये छोटा सा वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।